new one, 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 महामानेवर बिशप स्वामी जी भिंसेंट आयल हमारे मंच की ओर पधारते हुए हमारी माताओं के द्वारा सुंदर नाच के साथ स्वामी जी का स्वागत करते हुए मैं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और स्वामी जी का स्वागत करेंगे। सुंदर और पावन दिन में काफी सुंदर तरीके से हमारी माताओं और बहनों के द्वारा हमारे स्वामी जी को मंच की ओर लाया जा रहा है। हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बड़ी तरीके से ढोल और नगाड़ों के साथ
की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु स्वयं कहता है आनंद बनाओ, और आज आनंद बनाने का ही दिन है। आज के सुंदर और पावन दिन में प्रभु को याद करें, प्रभु के नाम से आनंद मनाएं। हमारे महामान्यवर बिशप स्वामी जी विंसेंट आए उपस्थित हैं। मैं हमारे महामहिम बागडोगरापन बिशप स्वामी विंसेंट आए का एवं हमारे बेटे नए पल्ली पुरोहित फादर आशीष एवं हमारे पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर आनंद और अन्य सहायक पल्लियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। आइए हम अपने कार्यक्रम को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। पश्चिम बंगाल के धर्माध्यक्ष अतुल मान्यवर बिशप विंसेंट हैं और दूरदराज के पल्लियों पड़ोसी एवं बाया पल्लियों के आए हुए सभी ख्रिस्तीय माता पिता भाई बहनों बच्चों सभी पुरोहितों धर्म भाइयों और धर्म बहनों को झारखंडी जोहार अभिनंदन जय जयसु कहते हैं। अब तक के घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रम अनुसार संचित इतिहास इस सेवक फादर नीरज के काफी कलिसिया की जिम्मेदारी रांची पारिश के पूर्व में ऊंचा नीचा हरियाली पहाड़ पर्वत और जलप्रपातों से घिरा बाया गांव अंगड़ा प्रखंड जिला रांची में अवस्थित है। इसी से अंकुरित प्रथम प्रचारक स्वर्गीय स्टीफन कजरू घाड़ी की अगुवाई में मात्र 5 ख्रिस्ते परिवार को लेकर नदी पार बाया गांव के अपने पुराने मट्टी के मकान से शुरुआत हुई थी। इस दौरान इसमें बानपुर गुरुबेड़ा लाली जोना इतलसूर और जोबला से भी ख्रिस्ते लोग आते थे। 1952 ईस्वी सन में जब रांची पल्ली से अलग सामलों पारिश बनने के उपरांत आरागे इसलसूर बाया जोना और मोरी यूनिट आए उस समय के प्रथम पल्ली पुरोहित फादर गोटू आरा मूनी से हाउस विजिट किए और लोगों की समस्याओं को जाना एवं मिसा पूजा पाप शिकार में विशेष ध्यान दिया। इसके बाद फादर चार्ल्स टूट यशु समाजी पल्ली पुरोहित बने। उन्होंने ही हर रविवार को मिसा करने की इच्छा रखी। मनरेसा हाउस रांची से फादर आते थे और अति मान्यवर
रांची के धर्म अध्यक्ष महामहिम पीयूष के पिता येसु समाजी यहाँ आकर के विश्वासियों को देखा और उसने 1985 ईस्वी सन में आरा गेट के सामनों से अलग कर पल्ली घोषित किया। आरा गेट पल्ली के प्रथम पल्ली पुरोहित फादर भीष्म पास्कल ओएसएम के पूज्यन बने। आरा गेट पल्ली बनने के पूर्व प्रत्येक माह सामनों की पल्ली पुरोहित फादर चार दूत येसु समाजी, फादर बरवाकरण येसु समाजी, फादर डी जोंगे येसु समाजी, फादर एंथोनी क्रूपियन येसु समाजी के नेतृत्व में पवित्र निष्ठा बलिदान एवं पासिका कभी बाया कभी बानपुर गुड़ी बेड़ा लाली कभी जोना जसलसूर जोबला में मोटरसाइकिल के द्वारा घूम घूम के करते थे। इसका नेतृत्व द्वितीय प्रचारक स्वर्गीय जोहन पीता करते थे और उनके फलस्वरूप पाया गांव में लगभग 10 फीसदी परिवार हुए। इनका अपना गिरजाघर नहीं होने के कारण वे अपने पुराने घर में सम्मिलित होकर निशा पूजा बलिदान एवं प्रार्थना करते थे। इन सबों की सहभागिता से एक मट्टी से निर्मित गिरजाघर बनाया गया। इसके बाद तृतीय प्रचारक स्वर्गीय सामल तिर्की ने कुछ दिनों के लिए इस कलीसिया को और भी आगे बढ़ाया। 1982 ईस्वी सन से 1985 ईस्वी सन के अंतराल में चतुर्थ प्रचारक स्वर्गीय जोसेफ डिंजा के देख रेख में तीसरे कलीसिया लगभग 30 परिवार तक आ चुका था। सबों की सहभागिता और श्रमदान से पहाड़ी भूमि का समतलीकरण हुआ और इस पर एक पक्का गिरजाघर का निर्माण आरा गेट पारिश के पल्ली पुरोहित फादर पास्कल, सहायक पल्ली पुरोहित जोन जोसेफ और फादर जोस परेरा ओ एफएम इमोशन समाज के नेतृत्व में शुरू किया गया और यह पूर्ण रूप से 1985 ईस्वी सन में निर्मित हो गया, जिसका आशीष और नामकरण अर्थात संत फ्रांसिस कैथोलिक चर्च अति मान्यवर रांची के धर्माध्यक्ष महामहिम आचार्य बिशप और वर्तमान के महामहिम कार्डिनल फिलेस्पोर पी टोप्रो के कर कमलों के द्वारा संत माता मरिया के जन्म उत्सव दिनांक 8 सितंबर 1950 को संपन्न हुआ। कलिसिया के बच्चों के उत्थान के लिए स्कूल की आवश्यकता थी, इसलिए श्रीमती क्रिस्टीना देवा प्याटोली, श्रीमती विश्वासी राय नदीपार, श्रीमती ज्यामनी बिंजा जिजाटोली, श्रीमती नाग हेसल के नेतृत्व में वर्तमान गिरजाघर को सोमवार से शनिवार तक के लिए स्कूल में बदल दिया जाता था और पाया और आसपास के बच्चों का पढ़ाई लिखाई होती थी और आगे चलकर श्रीमती जूलिया सिंह प्यार टोली के अगुवाई में येसु भवन पाया स्वस्थ केंद्र संत फ्रांसिस मिडिल स्कूल के धर्म बहनों को सुसमुक्त किया गया, जिससे परिवार की बढ़ोतरी को सब कोई इसे बिंदास कर रहे थे कि कामयाबी भी आखिर तो अलाउद्दीन का चिराग ही होता है। लेकिन ठीक इसी तरह इस सेवक का समुद्र हमारी जागीर तो नहीं
लेकिन भगवान की बुलाहट रूपी लहरों पर हमारी कलीसिया का ठप्पा नहीं लगा था। और वैसे भी इस सेवा की चमत्कारी हवा को कोई नहीं रोक सका, ना हाकिमों की मूठियाँ, ना हथकड़ी और ना कोई कैदखाना। इन्हीं फूलों की क्यारी में गैर ख्रिस्तीय परिवार के श्री सोमरा फ्रांसिस और श्रीमती मीरा कलारा की श्रीमती मीरा कलारा गाड़ी की प्रथम सुपुत्री संध्या गाड़ी गुराव टोली ने दिनांक 16 अगस्त 2008 को प्रथम इस सेवा के लिए धर्म बांध बनी, जो नया ख्रिस्तीय बन कर भी पौधा रूपी कलीसिया को जल प्रदान दी। ख्रिस्त के प्रचारक स्वर्गीय सामल की और श्रीमती जोशी लकड़ा की प्रथम सुपुत्री सबीना तिर्की दिनांक 27 जून 2009 को धर्मपाल बनी। श्री अब्राहम गाड़ी और श्रीमती सिसिलिया लकड़ा की तृतीय सुपुत्री अंजेला गाड़ी जो प्रथम प्रचारक स्वर्गीय स्टेफन कजरू गाड़ी के परिवार से आती है, जिनका अंतिम मनन दिनांक 9 जून 2018 को हुआ। इस बात को जानकर खुशी होगी कि ये तीनों धर्म बाणी एक ही समाज CFMSS अर्थात संत फ्रांसिस स्कूल के धर्म बाणों के समाज से आते हैं। बाया यूनिट के ख्रिस्तियों के लिए आरा गेट पल्ली से फादर जोन जोसेफ OFM एपोशियन मिसा के लिए आते थे, साथ ही अन्य फादर रोबू, फादर रिचर्ड, फादर पॉल मार्क, फादर विल्सन, फादर माइकल और फादर कर्लोस को प्रत्येक रविवार को बाया यसलसूर और चोना यूनिट पारी पारी से जाते थे। पंचवा प्रचारक राफेल टिग्गा की अगुवाई में जब बाया यूनिट में ख्रिस्तियों की संख्या बढ़ने लगी, तब वहाँ भी पल्ली की आवश्यकता महसूस की गई। तब जुलाई 2005 ईस्वी सन में बाया पल्ली बना या बाया पल्ली का रूप बना। पल्ला पाला पल्ली रोहित विलियम तिर्की बने, जिनका कार्यकाल मई 2010 तक रहा। दूसरा पल्ली रोहित फादर जोधी और सहायक पल्ली रोहित प्रेम दयाल केस, जिनका कार्यकाल मई 2010 से मई 2016 तक रहा। तीसरा पंडित रोहित फादर गणेश स्वप्नो, सहायक पंडित रोहित फादर जेम्स पैक, इनका कार्यकाल मई 2016 से मई 2017 तक रहा। चौथा पंडित रोहित फादर अनपट लकड़ा और सहायक पंडित रोहित एडविन ली और पांचवा पंडित रोहित फादर किशोर और फादर विनय क्रिकेटर जून 2021 तक रहे। वर्तमान पल्ली पुरोहित फादर आनंद कुमार बेंद्रा, सहायक पल्ली पुरोहित फादर समीर भी हैं। इन विषम परिस्थितियों में दाया पारिश का निर्माण हुआ। तीन धर्म बाने बनने आज दाया पल्ली नव अभिषेक फादर आशीष तिर्की की वजह से उन पल्लियों के संकट खड़े हैं, जिनसे बहुत सारे पुरोहित प्रभु की डाक बारी में काम करने के लिए चुने गए। ऐसे अवसर पर अति मान्यवर बिशप आयन को कैसे भुला सकते हैं, जिनकी अगुवाई में बाया नदी पार के अनजान पत्थर को काटा, छाटा और तराशा और आज
हस्त्रोपण विलेपन एवं पवित्र ईसा के वरदान भगवान पर पवित्र अभिषेक प्रदान किया। मान्यवर आपको कोटि सर धन्यवाद। सदैव फादर आशीष आप हमारे बेटा आशीष, चाचा आशीष, भैया आशीष नहीं रहे हैं, अब तो आप फादर आशीष बन गए हैं। बधाई आज के दिन के लिए, पुरोहिताई के लिए ढेर सारी बधाइयाँ और बागडोगरा धर्म प्रांत में चाय बगान में वादियों में बारिशों में पुरोहिताई सेवा काज के लिए हम पायापल्ली के हर एक छोटे बड़े माता पिता भाई बहनों एवं बेटे बेटियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामना प्रार्थनाओं का आश्वासन देते हुए एवं प्रार्थनाओं की आशा करते हुए धन्यवाद। हम सभी बायापल्ली के सदस्यगण दिनांक 16 मई 2028 प्राथमिक सभा, महिला संघ, युवा संघ और पल्ली वासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद कहते हैं। मैं मिस्टर अनुपम मर जा, रुक मर जा, हल हल ना
की तरफ से। हाय संधि जोड़े थे तो नियम तो करना था, बागडोगरा वालों से संधि जोड़े थे तो नियम तो करना था, इसलिए हम लोगों ने अपना नियम कर दिया। बारिश की माताओं और बहनों को सुंदर बधाई गीत के लिए बहुत धन्यवाद। सेवा को लोटा में पानी गिरी बहिनी धोई दी
Thank you.
पौतों को, सबों को बहुत बहुत जय यीशु। और सर्वप्रथम हमारे आज के नौ अभिषिक्त सभी फादर आशीष तिर्की की माँ, उसके जितने भी दादा भाई बहन भाभी और जितने छोटे बड़े रिश्तेदार हैं, सबों को भी बधाई और साथ में पूरे बाह्य पल्ली को बधाई और अंत में हमारे बागडोगरा धर्म प्रांत को बधाई कि हमें और एक नए पुरोहित मिल गए। मैं इस गांव के नाम को लेकर के थोड़ा सोच रहा था कि इसके लिए अब नाम नहीं मिलाना क्या। और कल हम लोग जब फादर आशीष के घर गए तो किसी ने कहा उस गांव का नाम भी नदी उस पार, नाम ही नहीं मिला, नदी उस पार। नदी उस पार तो कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन बाहया नाम अगर उसका हिज्जा को नहीं ध्यान देंगे तो लगता है बाहया माने बाहर। अरे बाहया से तो हम लोग आए हैं, बागडोगरा वाले आए, आप लोग तो अंदर वाले हैं, आप लोग कैसे बाहया वाले हुए? हम लोग बाहया वाले, आप लोग अंदर वाले है कि नहीं? लेकिन जो संक्षेप में यहाँ का इतिहास अभिनंदन पत्र के रूप में पढ़ सुनाया गया, उससे पता चला ना केवल इस पल्ली के पहले, शुरू के पहले क्या होता था, कैसे केवल 5 ख्रिस्टीय परिवार रहा करते थे और गांव गिरजा के लिए उनके पास गांव गिरजा भी नहीं होता था और बहुत बार मिस्सा भी नहीं मिलता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ फादरों ने यहाँ दर्शन देना शुरू किया और धीरे धीरे उनको मिस्सा बलिदान और अन्य साक्रामेंट मिलने लगे। तो मैं फिर से उस अभिनंदन पत्र को ध्यान से देख रहा था, क्योंकि सुनाई देते समय थोड़ा सही सुना ना गलत सुना ऐसा लगा, तो मैंने जो सुना था वही सही था। उसमें छपा हुआ है कई फादरों के नाम में, नाम की सूची में एक बहुत ही जाना माना नाम हम बागडोगरा वालों के लिए, बागडोगरा वाले ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, फादर प्रदीप सिस्टरगण और वहाँ से आए हुए जितने भी विश्वासीगण, कई फादरों के नाम में बाहया में आकर के मिस्सा देने के लिए विशेष जोर देने वाले फादर का नाम था फादर चार्ल्स जूट। परिचित लग रहा है कि नहीं ये नाम? तालियां बजी, हमारे बागडोगरा वाले कम संख्या में से तालियों की गड़गड़ाहट नहीं सुनाई दी, आप लोग तो हमारे नाम से ताली बजा दीजिए तो कृपा करके, मैं कारण बता रहा हूँ, और एक बार ताली बजाइए तब मैं कारण बताऊंगा। फादर चार्ल्स जूट हमारे लिए बहुत परिचित नाम इसलिए हैं कि ना केवल आपके यहाँ बाहया में आकर के उन्होंने आपकी आत्मा की विशेष चिंता की और आपके लिए रेगुलर हिसाब में सब समय आप लोगों के लिए मिस्सा मिले इसका इंतजाम उन्होंने किया, उन्होंने शुरू किया। वही फादर चार्ल्स जूट हमारे बागडोगरा धर्म प्रांत की जो माता पल्ली है, यानी जो सबसे पहली पल्ली बनी थी और उसी पल्ली से धीरे धीरे संतान उत्पत्ति हुई, बहुत सारी अन्य पल्लियाँ बनी और उस माँ पल्ली का नाम है बागडोगरा डायसिस में गाया गंगा, गाया गंगा। तो गाया गंगा में फादर चार्ल्स जूट का आना और वहाँ एक नई जान लाना, वहाँ वर्षों तक रहे और शायद अपने जीवन के अंत तक वहीं रहे फादर चार्ल्स जूट। तो ये कैसा संयोग है कि जिस धरती पर
यहाँ का एक समय का मिशनरी फादर चार्ल्स लूथ जा करके वहाँ की आत्माओं की भूख मिटाने के लिए अपना जीवन दिया, अपनी सेवा दी उसी कर्म भूमि में। आज इसी बाह्या का एक सुपुत्र फादर आशीष तिर्की जा रहा है वहाँ के विश्वास को और भी आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ के विश्वासियों को मदद करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो ये एक इत्तिफाक नहीं है, शायद यह ईश्वरीय योजना है। तो फादर चार्ल्स लूथ तो यहाँ के लिए भी विदेश से आए हुए मिशनरी थे, बेल्जियम के थे, और हमारे यहाँ जयगंगा में आकर के भी वे मिशनरी रहे। आज यहाँ से बागडोगरा जाते हुए फादर आशीष भी एक मिशनरी के तौर पर जा रहे हैं और वहाँ के विश्वासियों के लिए अपनी सेवा देने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। ये भगवान की योजना के तहत है, ऐसा मेरा सोचना है। और इसीलिए न केवल हम लोग फादर आशीष को तहे दिल से बधाई कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, लेकिन हम लोग पूरे खुले हृदय से खुली बाहों में उसका उसी कर्म भूमि में जहाँ फादर चार्ल्स लूथ गए और उन्होंने अपनी सेवा दी, अपना काम वहाँ हम लोगों के फल के लिए, हम लोगों को फलदायक बनाने के लिए किया, वहाँ अपनी सेवा दे करके उसी रोपे हुए गाछ को और थोड़ा पानी पटाने के लिए और थोड़ा फलीभूत करने के लिए फादर आशीष वहाँ आ रहे हैं। और इसीलिए मैं फादर आशीष का उस हिसाब में भी अपने डायसिस बागडोगरा में हार्दिक स्वागत करता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि फादर चार्ल्स लूथ के कदम चिन्हों पर चलते हुए वहाँ के विश्वासियों के लिए आप अपना जीवन समर्पण करें। इतना कह करके फादर आशीष को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अभी मैं धन्यवाद स्वरूप उनकी माँ श्रीमती जोसेफिन तिर्की को, और उनके पिता नहीं हैं इसलिए उनके बड़े भाई जो यहाँ आए थे विलियम डांफर है, विलियम है क्या, विलियम है नहीं है, घर चले गए, तो कम से कम माँ जी आइए। और पवन है, भाई के नाम पर कोई है, पवन है, पवन को ही ले आइए, ठीक है, भाई के नाम से एक है। आप लोग माँ बेटा दोनों घर आ जाइए। सुशील, फादर सुशील, मोबाइल सर। माँ जी धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द हो गया और उस छोटे शब्द से हमारा ना दिल भरता है ना मन भरता है, लेकिन हम लोग आपको केवल आज नहीं जीवन भर धन्यवाद देंगे। पूरा धर्म प्राण बागडोगरा आपको धन्यवाद देते हैं, अपने पुत्र रत्न को आप हमारे लाइसेंस के लिए, हमारे धर्म प्राण के लिए सेवा के लिए सौंप दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर और भी बरसे और बना रहे, और आपको भी पूरे परिवार वालों की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद। हाँ ठीक है, तो तो फादर चार्ल्स लूथ
शब्द का अंतिम पैराग्राफ थोड़ा मैं बोलता हूँ। अंतिम पैराग्राफ यही है कि 2010 में एक तरह से आपकी पल्ली ने एक पल्ली का रूप लिया और उस समय के पल्ली पुरोहित मेरे दोस्त 1987 से फादर विलियम तिर्की उस समय दोस्ती हुई थी 1987 में और आज उनसे फिर मुलाकात हो गई बहुत खुशी के साथ और उनको यह जान करके बहुत अच्छा लगा। अभिनंदन पत्र में भी सुना मैंने कि यहाँ का सबसे पहला पुरोहित फादर विलियम तिर्की रहे और उस समय का रोपा हुआ ये गाछ अब फल फूल से लग रहा है और अब तक में 3 सिस्टरें हो गई हैं इस पल्ली से, अब एक फादर भी बन गया। तो कम ही वर्षों में 3 सिस्टरों का होना, एक फादर का हो जाना बहुत बड़ा अच्छा चिन्ह है और इसलिए पल्ली इसी प्रकार और भी उन्नति करती जाए और बहुत से फल मिले, ना केवल फादर सिस्टर के रूप में लेकिन यहाँ स्कूल है और स्कूल के माध्यम से और भी अच्छी बुलाहटें और अच्छे परिवार बने, अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे इंसान बने और इस तरह से अच्छे खिस्तान भी बने, तो पल्ली और भी फले फूले। ये मेरी शुभकामना पूरे बाहया पल्ली के लिए है, आप सभी लोगों के लिए। और आप लोगों ने इतने धूमधाम से बहुत खुशी के साथ में इस धर्म अभिषेक पुरोहित अभिषेक की तैयारी की और इतने भावभीनी ढंग से आप अपने बेटे को हम लोगों के लिए विदा दे रहे हैं और दान दे रहे हैं, इस इनके लिए आप सभी का हम लोग पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी पल्ली के लिए हम भी प्रार्थना करने का आश्वासन देते हैं। इतना कह करके सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय जीसू।